हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अवंतिका ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर की क्लास लगातार आपको मिल रही है, तो हो जाइए तैयार मेरे साथ करंट अफेयर का भंडारा करने के लिए। आप लोगों को करंट अफेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस बच्चे को प्रॉब्लम आए मुझे मैसेज कर सकता है और मेरे नोट्स भी ले सकता है, ठीक है। लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया वो शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट आज के मोटिवेशनल वाक्य से। आज का मोटिवेशनल वाक्य है, सफलता इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो देखो सफलता की कितनी अच्छी खास बात है, ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो करते रहिए मेहनत मेरे साथ और एक दिन आप भी सफल हो जाएं। तो आगाज करो आप पेपर से और शुरुआत करो मेरे साथ करंट अफेयर की पहली न्यूज की। करंट अफेयर की पहली न्यूज क्या कहती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटे सुनील अरोड़ा। बच्चों, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा थे, वो हट चुके हैं, उनकी जगह कौन आने वाले हैं, सुशील चंद्र आने वाले हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं थोड़ा सा सुशील चंद्रा के बारे में और देखते हैं कि क्या क्या रहा इनका सब कुछ कार्यकाल और ये सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम जान लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, चुनाव आयोग है। तो बच्चों क्या कहोगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटे सुनील अरोड़ा, कौन आए हैं, सुशील चंद्रा। तो यानी कि नए चुनाव आयुक्त कौन आने वाले हैं, सुशील चंद्रा। अब जानते हैं चुनाव आयोग के बारे में। अब जान लो लाड लो चुनाव आयोग के बारे में और समझ लो कि चुनाव आयोग से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और पेपर की खोपड़ी में कैसे तुमने छेद करना है। अगर तुमसे पूछ दे कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, अगर तुमसे पूछ दे कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो लाडलो लिख लेना 25 जनवरी 1950 को हुआ। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को हुआ। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, इसीलिए 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस। तो याद रहेगा लाडलो कि 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। अगर पूछ दे कि चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखना चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल आर्टिकल 326 है। अगर पूछ दे कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त थे लाडलो, फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। तो याद रहेगी बात, फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगर पूछ दे कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, अगर पूछ दे कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो या तो होता है 6 वर्ष या फिर होता है 65 वर्ष। इन दोनों में से जो पहले हो जाए वही क्या हो जाएगा, उसका कार्यकाल हो जाएगा। तो याद हो गई बच्चों पहली न्यूज कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह किसने ले ली है, सुशील चंद्रा ने उनकी जगह ले ली है। फिर हमने किया चुनाव आयोग का पोस्टमार्टम, 25 जनवरी 1950 को किया गया उसका गठन, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की बात की गई है और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। कार्यकाल कितना होता है चुनाव आयुक्त का, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो पहले हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज हमारी क्या कहती है, सार्थक योजना का हुआ प्रारंभ। हमने क्या देखना है कि सार्थक योजना का क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो लाडलो सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो सार्थक योजना है इसका उद्देश्य क्या है। तो सार्थक योजना का उद्देश्य बच्चों है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। तो इसका उद्देश्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ये क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना क्या रहा है हमारा उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो सार्थक योजना का प्रारंभ हुआ है और उसका उद्देश्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। और ये जो सार्थक योजना है लाडलो, ये जो सार्थक योजना है ये किसके अंतर्गत चलाई जाएगी, तो ये चलाई जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत।
ठीक है, ये किसके अंतर्गत चलाई जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, ताकि इसके सभी के सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो आपसे पूछा जाएगा कि सार्थक योजना किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। किसके अंतर्गत चलाई जाएगी या किसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाई जाएगी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूर्ति के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाई जाएगी। क्लियर हो गया, फटाफट चलो इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। हो गया, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जब बात करें, तो बच्चों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, लाडलो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका पहला पॉइंट तो याद रखना, ये जो है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति थी। तो 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी थी, 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी थी, वो थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बच्चों अगला पॉइंट याद रखना कि इस शिक्षा नीति ने कौन सा किसका स्थान लिया है, तो इस शिक्षा नीति ने 34 वर्ष पुरानी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है। 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है, ठीक है, याद रहेगा कौन सी का स्थान लिया है, 1986 का स्थान लिया है। उसके बाद लाडलो अगर आपसे पूछ दे कि इस शिक्षा नीति से संबंधित समिति कौन सी थी, इस शिक्षा नीति से संबंधित समिति अगर लाडलो आपसे पूछ दे, तो याद रखना कस्तूरी रंगन समिति थी। कौन सी थी, कस्तूरी रंगन समिति, याद रहेगी लाडलो। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि शिक्षा को सतत पोषणीय विकास SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है, तो इसको जो है चौथा स्थान मिला है। इन लक्ष्यों की पूर्ति कब तक हो जाएगी SDG की, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम SDG के सभी लक्ष्य जो है प्राप्त कर लेंगे। इसमें क्या है बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने क्या किया है, जो 10+2 की व्यवस्था थी हमारी, अब तक की जो व्यवस्था क्या थी, वो 10+2 की व्यवस्था थी, उसमें चेंज करके हमने कौन सी व्यवस्था ला दी है, हमने कौन सी व्यवस्था ला दी है, तो 5+3+3+4 व्यवस्था ला दी है। याद रहेगी लाडला बात, कौन सी व्यवस्था लाए हैं 10+2 को चेंज करके, 5+3+3+4। फिर लाडलो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि शिक्षा किस सूची का विषय है, शिक्षा किस सूची का विषय है पूछ दे, तो याद रखना शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। अगर लाडलो तुमसे पूछ दे कि शिक्षा का मैग्ना काटा किसे कहा जाता है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं शिक्षा का मैग्ना काटा। अगर तुमसे पूछ दे शिक्षा का मैग्ना काटा किसे कहा जाता है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा का मैग्ना काटा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। अगर तुमसे पूछ दे कि वुड डिस्पैच कब आया था, तो याद रखना 1854 में वुड डिस्पैच आया था। तो लाडलो ये रही सार्थक योजना की बात और उससे रिलेटेड राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कंफर्म हो गया, एक क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से फंसेगा और छेद करना उस क्वेश्चन की खोपड़ी में, तो नोट करो फटाफट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया लाडलो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम मास्क अभियान का प्रारंभ। तो देखिए हुआ है मास्क अभियान का प्रारंभ और इसके बारे में जानते हैं कि मास्क अभियान का प्रारंभ कहाँ हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो याद रखना मास्क अभियान का जो प्रारंभ हुआ है, ये हुआ है उड़ीसा में। कहाँ हुआ है मास्क अभियान का प्रारंभ, उड़ीसा में हुआ है। और ये कहा गया है कि जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उसको 2000 रुपये का चालान देना होगा। तो 2000 रुपये का चालान की बात की गई है मास्क अभियान के अंतर्गत। किसने चलाया है ये अभियान,
उड़ीसा ने चलाया है, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने चलाया है, क्यों चलाया होगा? तो सिंपल सी बात है बच्चों, COVID-19 पर नियंत्रण पाने के लिए, COVID-19 पर नियंत्रण पाने के लिए चलाया गया ये अभियान। और कहाँ से चलाया गया? उड़ीसा से। क्लियर हो गई? तो ये तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, आओ भंडारा करते हैं उड़ीसा का। तो देखिए स्टूडेंट्स, उड़ीसा से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनको जरा समझते हैं। अब आ जाओ उड़ीसा के क्वेश्चनों पर, कर दो उड़ीसा का भंडारा। तो आगे बढ़ो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन उड़ीसा से आपसे पूछा जाएगा कि बिंदु सागर झील कहाँ पर है। तो याद रखना बच्चों, जो बिंदु सागर झील है वो कहाँ है? उड़ीसा में ही है। याद रहेगी बच्चों बात, बिंदु सागर झील कहाँ पर है पूछ दे तो बिंदु सागर झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछ दे कि लिंगराज मंदिर कहाँ है तो उड़ीसा की बिंदु सागर झील पर ही क्या है? लिंगराज मंदिर है। याद रहेगी स्टूडेंट्स बात। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ दे कि चिल्का झील कहाँ है, अगर आपसे पूछ दे कि चिल्का झील कहाँ है तो चिल्का झील भी कहाँ है बच्चों? उड़ीसा में है। और अगर आपसे पूछ दे कि रामसर का भारत का पहला स्थल, ठीक है, भारत का पहला रामसर स्थल कहाँ है तो चिल्का झील ही है, उड़ीसा में है। याद रहेगी बात। फिर अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे उड़ीसा की राजधानी, तो उड़ीसा की राजधानी बच्चों क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। याद रहेगी, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे कि भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी, भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी तो भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी? भुवनेश्वर थी। याद रहेगी बात, क्लियर हो गया? अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में राउरकेला के बारे में, तो अगर आपसे पूछ दे कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है तो याद रखना बच्चा, वो भी हमारा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगर पूछ दे राउरकेला स्टील प्लांट किसकी मदद से लगाया गया तो याद रखना, वो लगाया गया था जर्मनी की मदद से। याद रहेगी बात। तो जर्मनी की मदद से लगाया गया, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया पूछ दे, किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया पूछ दे तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। क्लियर रहेगी लाडो ये बात। और जानते हैं उड़ीसा के बारे में एक दो तथ्य। अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे लाडलो कि 2023 का हॉकी विश्व कप कहाँ होना है तो याद रखना, 2023 का हॉकी विश्व कप जो है हमारा कहाँ होगा? उड़ीसा में ही होगा। तो 2023 का हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? उड़ीसा के अंदर होगा। याद रहेगी लाडलो ये बात। साथ ही साथ आपसे पूछ दे कि भारत की सबसे युवा सांसद कहाँ की हैं तो उड़ीसा की हैं। सॉरी, भारत की सबसे युवा सांसद कहाँ की हैं तो उड़ीसा की हैं। तो भारत की सबसे युवा सांसद कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं। और अगर उनका नाम पूछ दे लाडलो, अगर उनका नाम पूछ दे तो चंद्राणी मुर्मू उनका नाम है। क्या है? चंद्राणी मुर्मू उनका नाम है। याद रहेगी बात। चंद्राणी मुर्मू क्या है? भारत की सबसे युवा सांसद हैं। अगर आपसे पूछ दे लाडलो कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, अगर आपसे पूछ दे कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है तो उड़ीसा में है और महानदी पर है। याद रहेगी लाडलो बात। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि खेलो इंडिया गेम का पहला खेल कहाँ हुआ था तो खेलो इंडिया गेम का पहला खेल जो है, खेलो इंडिया खेल का पहला खेल जो है वो कहाँ हुआ था? उड़ीसा में ही हुआ था। ठीक है लाडलो। और अगर आपसे पूछ दे कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है लाडलो तो चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है हमारा? उड़ीसा के अंदर है। याद रहेगी बात।
चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। अगर लाडलो तुमसे पूछ दे, अगर तुमसे पूछ दे कि सिमली फॉल साथ ही साथ भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिमली फॉल और भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये दोनों पार्क भी कहाँ है लाडलो? उड़ीसा के अंदर है। तो देखिए स्टूडेंट, शुरुआत हुई थी मास्क अभियान से और लेके आया मैं तुम्हें उड़ीसा, और कैसे मैंने इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करा दिए। तो स्टूडेंट फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आएंगे अपनी अगली न्यूज पे। ठीक हो गया, ले लिया आपने अगला स्क्रीनशॉट, तो आते हैं हम अपनी अगली न्यूज पे। अगली न्यूज क्या है? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। हमसे कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, तो बच्चों समझते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के अंतर्गत बच्चों क्या हुआ है? ये ऑपरेशन हुआ है हिंद महासागर में। ये ऑपरेशन कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में। अगर पूछ दे किसने किया, अगर पूछ दे किसने किया लाडलो, तो लिख लेना, लिख लेना, अरे हमारा वही दोस्त अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया है? हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया है। और ये ऑपरेशन हिंद महासागर में कहाँ हुआ है? तो लक्षद्वीप के नज़दीक में ही हुआ है। तो लक्षद्वीप के पास में क्या हुआ है? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन हुआ है। तो आओ निपटारा करते हैं लक्षद्वीप का स्टूडेंट्स, आओ निपटारा करते हैं लक्षद्वीप का, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं जरा देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का, अगर आपसे पूछ दे भारत का 100%, भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखना बच्चों, भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा लक्षद्वीप ही है, जबकि राज्यों में कौन है? सिक्किम है। ठीक हो गया। अगर आपसे पूछ दे लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, अगर आपसे पूछ दे लाडलो कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो याद रखना लक्षद्वीप में 39 द्वीप हैं, 39 द्वीप हैं। अगर आपसे पूछ दे कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, अगर आपसे पूछ दे कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है लाडलो कवरत्ती। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी क्या है? वो हमारा लक्षद्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप है। याद रहेगी लाडलो ये बात, याद रहेगी ना। अगर आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्रवाल भित्ति की सहायता से हुआ है, तो याद रखना लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? प्रवाल भित्ति द्वारा इसका निर्माण हुआ है, कोरल लीफ रीफ द्वारा इसका निर्माण हुआ है। वहीं स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, लिख लेना लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री का चैनल है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री का चैनल है। याद रहेगी बात, कंफर्म हो गया। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन हिंद महासागर में लक्षद्वीप के पास में हुआ, किसने किया? हमारे दोस्त अमेरिका ने किया। और क्या क्या रहा लक्षद्वीप के बारे में उठने वाले क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिए। तो स्टूडेंट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज में। नेक्स्ट न्यूज में आते हैं, अगली न्यूज देखिए स्टूडेंट्स। तो लाडलो अगला न्यूज है हमारी, टीका महोत्सव शुरू हुआ। ठीक है, टीका महोत्सव क्या हो गया है? शुरू हो गया है टीका महोत्सव। ठीक, अब हम जानते हैं कि टीका महोत्सव शुरू तो हो गया, लेकिन वास्तव में टीका महोत्सव है क्या? तो बच्चों टीका महोत्सव शुरू हुआ है, ये प्रारंभ हुआ 11 अप्रैल को। अब ये 11 अप्रैल को ही क्यों हुआ, तो जानते हो बच्चों क्यों हुआ? क्योंकि ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन था। तो ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन पर जो है ये स्टार्ट हुआ है, ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन पर ये स्टार्ट हुआ है, और ये चलेगा हमारा 14 अप्रैल तक। कब तक चलेगा लाडलो ये?
14 अप्रैल तक। क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल को बच्चों जन्मदिन है भीमराव अंबेडकर जी का। 14 अप्रैल को जन्मदिन है भीमराव अंबेडकर जी का। तो 11 अप्रैल को टीका महोत्सव शुरू हुआ है और 14 अप्रैल को टीका महोत्सव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस टीका महोत्सव में क्या होने जा रहा है, इस टीका महोत्सव में बच्चों टीकाकरण अभियान चलेगा, मतलब कि वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसमें कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, तो एक तो कोरोना के लिए चली है कोवैक्सीन, तो एक तो लगाई जाएगी कोवैक्सीन और साथ ही साथ दूसरी क्या लगाई जाएगी, कोविशील्ड, कोविशील्ड लगाई जाएगी। तो बच्चों ये दो वैक्सीने हैं जिनको तुम अच्छे से याद रखना है। तो याद रहेगा बच्चों टीका महोत्सव कब शुरू हुआ, 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले के जन्मदिन पर, और ख़त्म कब होगा, 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर। टीका महोत्सव में क्या होगा, तो कोरोना से संबंधित वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना से संबंधित कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन है। तो बच्चों आओ प्रारंभ करते हैं, कोवैक्सीन कोविशील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आप सबसे पहले ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा कोरोना और कोवैक्सीन के बारे में जानने के लिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, अब जानते हैं बच्चों हम कोवैक्सीन और कोरोना के बारे में थोड़ा थोड़ा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, हमने क्या कहा कि जो टीकाकरण अभियान है लाडलो, जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, इस टीकाकरण अभियान में दो टीके लगने हैं। कौन कौन से लगने हैं, तो भैया पहला जो लगना है वो लगना है कोवैक्सीन, ठीक है। पहला कौन सा लगना है, कोवैक्सीन। और दूसरा कौन सा लगना है लाडलो, दूसरा लगना है हमारा कोविशील्ड, ठीक है। अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, जो कि एग्जाम में आता है। तो बच्चों अगर कोवैक्सीन की बात करें तो इसका निर्माण किसने किया है, अगर कोवैक्सीन की बात करें तो इसका निर्माण किसने किया है, तो लाडलो इसका निर्माण किया है भारत बायोटेक कंपनी ने। इसका निर्माण किसने किया है, भारत बायोटेक कंपनी ने इसका निर्माण किया है। अगर लाडलो पूछ ले, अगर पूछ ले कि भारत बायोटेक कंपनी कहाँ पे स्थित है, तो भारत बायोटेक कंपनी कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। तो भारत बायोटेक कंपनी कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। एक क्वेश्चन बच्चों हैदराबाद से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो लाडलो याद रखना हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद कहाँ है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगर लाडलो कभी आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि हैदराबाद के बारे में एक क्वेश्चन और, कि हैदराबाद को कैसे जो है हमने रियासत से मुक्त कराया था, तो याद रखना बच्चों हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा, ऑपरेशन पोलो द्वारा पुलिस कार्रवाई की थी इस पे, ऑपरेशन पोलो द्वारा 1948 में हमने क्या किया था, भारत में मिलाया था। याद रहेगी लाडलो ये बात, ऑपरेशन पोलो द्वारा 1948 में हमने इसे भारत में मिलाया था, ठीक है। अगर लाडलो वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि देश में पहला कोरोना टीका किसे लगा था, तो देश में पहला कोरोना टीका, जल्दी से बच्चों कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताओ, मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन वालों, और ऑनलाइन वालों तुम्हारे साथ तो मेरी करंट की तीसरी वीडियो है तो इसमें नहीं पढ़ा है। देश में पहला कोरोना टीका कब किसके लगाया गया था, याद रखो वो लगाया गया था मनीष कुमार के। ये मनीष कुमार क्या थे, दिल्ली एम्स में सफाई कर्मचारी थे मनीष कुमार, इनके लगाया गया था। अगर डेट पूछे कब लगाया गया, तो 16 जनवरी को इनके टीका लगाया गया था, देश में पहला कोरोना टीका। अगर क्वेश्चन पूछ दे लाडलो, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पहला कोरोना केस, भारत में पहला कोरोना केस जो है कहाँ पे आया था, तो याद रखना पहला कोरोना केस जो है भारत में वो केरल में आया था। तो फर्स्ट कोरोना केस कहाँ आया था, केरल में आया था लाडलो। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि कोरोना से पहली मृत्यु भारत में कहाँ हुई थी, तो कोरोना से मृत्यु पहली भारत में कहाँ हुई थी लाडलो, अगर पूछ दे
तो याद रखना लाडलो कर्नाटक में हुई थी। तो याद रहेगा पहला टीका लगा मनीष कुमार के, जो कि दिल्ली एम्स में सफाई कर्मचारी थे 16 जनवरी को। उसके बाद पहला केस तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि केरल में आया था, और पहली कोरोना की मृत्यु कहाँ हुई थी, कर्नाटक में हुई थी। याद रहेगी बात। अब थोड़ी सी बात जानते हैं कोविशील्ड के बारे में। तो कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई है, कोविशील्ड। और ये कहाँ पे स्थित है, तो लाडलो ये स्थित है पुणे में। कहाँ पे स्थित है, पुणे में। क्वेश्चन पूछा जाए अगर यरवदा जेल कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे पूछ दे यरवदा जेल कहाँ पर स्थित है, तो यरवदा जेल भी बच्चों पुणे में स्थित है। ठीक है बच्चों, पुणे से एक क्वेश्चन आधुनिक भारत का भी आता है, वो आता है पूना पैक्ट। तो अगर कभी आपसे पूछ दे कि पूना पैक्ट जो है ये कब हुआ था लाडलो, तो ये कब हुआ था 1932 में। पूना पैक्ट या पूना समझौता, तो स्टूडेंट्स पूना पैक्ट कब हुआ था हमारा 1932 में। अगर पूछ दे पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट जो है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ये क्या था, एक समझौता था। बाकी इसकी डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद अगर आपसे पूछ दे, इसके बाद अगर वो आपसे पूछ दे कि फॉर्म मिन चिन्ह कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, ये हमारी अगली न्यूज है। फॉर्म मिन चिन्ह जो है कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो फॉर्म मिन चिन्ह बने हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री। जिन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्म मिन चिन्ह कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, वियतनाम के। वियतनाम से अगर क्वेश्चन उठेगा बच्चों, अगर वियतनाम से क्वेश्चन उठा तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना, अगर वियतनाम से क्वेश्चन उठा तो आपसे पूछा जाएगा कि जो आसियान है, आसियान की 36वीं और 37वीं बैठक जो है वो कहाँ हुई थी, या 36वीं 37वीं मीटिंग कहाँ हुई थी लाडलो, तो वो याद रखना वो वियतनाम के अंदर ही हुई थी। आसियान की 36वीं और 37वीं मीटिंग कहाँ हुई है, 36वीं और 37वीं बैठक वियतनाम के अंदर हुई है। आ जाओ लाडलो करते हैं आसियान का भंडारा, आ जाओ जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुला लो, फटाफट शेयर करो वीडियो को। ठीक है अब कर लो आसियान का भंडारा, और आसियान का भंडारा में सबसे पहले जान लो आसियान की स्थापना। आसियान की स्थापना अगर आपसे पूछ दे कब हुई, तो लाडलो याद रखना 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। अगर पूछ दे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना लाडलो जकार्ता में इसका मुख्यालय है। और जकार्ता किसकी राजधानी है, तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है लाडलो, अगर आपसे पूछ ले आसियान का अध्यक्ष कौन है, फटाफट कमेंट करो, कौन मेरे बच्चों जल्दी कमेंट करो। ठीक है तो क्या रहेगा, ली सिन लुंग जो है आसियान का अध्यक्ष है, ली सिन लुंग। अगर आपसे पूछ रहे आसियान में कुल कितने देश शामिल हैं, तो आसियान में लाडलो कुल 10 देश शामिल हैं। याद रखना लाडलो कि आसियान में भारत शामिल नहीं है। और इसकी पहली मीटिंग की अगर बात करें, पहली बैठक की लाडलो अगर बात करें, तो आसियान की जो पहली बैठक थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है लाडलो, तो फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट और करके आओ पेपर की खोपड़ी में एक छेद। ठीक अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कह रही है हमारी, नेक्स्ट न्यूज कह रही है कि 9 अप्रैल को केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा दुनिया का फर्स्ट माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक डिटेक्टर मैनी स्निफर लॉन्च किया जाएगा। तो बच्चों 9 अप्रैल को जो है माइक्रो सेंसर ये क्या करेगा, विस्फोटक पदार्थों के बारे में पता लगाएगा। ये किसने बनाया है आप तो ये याद रखो, तो माइक्रो सेंसर जो कि विस्फोटक पदार्थों को ट्रेस करेगा ये बनाया है आईआईटी ने। ठीक है आईआईटी बॉम्बे द्वारा बनाया गया है। और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है अभी, अगर हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री पूछे कौन है अभी, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं अभी हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो बच्चों तुम तो बस यही याद रखना कि आईआईटी बॉम्बे द्वारा बनाया गया है माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर मैनो स्निफर। क्लियर हो गई बात, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया,
तो स्टूडेंट्स ये रहा आज का आपका करंट अफेयर। अब हम जो है कमर तोड़ मिशन स्टार्ट किया है। मैंने एक कमर तोड़ मिशन स्टार्ट किया है जो कि पेपर की कमर तोड़ेगा बिल्कुल। तो हर कमर तोड़ मिशन रोज आएगा आपका और रोज इसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। ये क्या करेंगे, ये सीधे सीधे पेपर की कमर ही तोड़ देंगे। तो देखो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर में सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। लार किसके पाचन में सहयोग करती है, लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो स्टूडेंट्स ये रही आज की आपकी करंट की क्लास। जिन लोगों ने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो कमेंट जरूर करना, कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो लोग मेरी ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, जो मेरे साथ ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस कार रोड बिंदु खत्ता के अंदर चल रही हैं। तो जिन लोगों को मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है बच्चों, वो जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 8006752160 पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं उन्हें कोर्स से रिलेटेड सभी डिटेल्स बता दूंगा और साथ ही साथ बाकी जो उन्हें कुछ पूछना होगा तो वो उससे पूछ सकते हैं। तो याद रखना कार रोड बिंदु खत्ता लालकुआ के अंदर मेरी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हमने बिगुल बजा दिया है तुम्हारे सिलेक्शन का, अब मेहनत करने की बारी है। ठीक है तो स्टूडेंट्स मिलते हैं कल, तब तक तेरे चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद जय भारत।